श्री कैसी जैन की प्रेरणा से यहाँ सिविल करने आया। अभी 31 मई को मैं रिटायर हुआ था, तो उन्होंने कहा कि आप सिविल अटेंड करके देखिए, इसमें मेरे को हृदय रोग भी है और शुगर भी है। तो थोड़ा मन में जब हृदय रोग का, जैसे अभी बता रहे थे कि हृदय रोग होता है 3 महीने पहले तो डर जाता है, मेरे मन में भी ऐसा डर और शुगर का भी जनरल आजकल शुगर की बीमारी अमेरिका में बहुत परसेंटेज बढ़ गई है इंडिया के अंदर, तो शुगर की बीमारी से भी लोग डरते हैं कि शुगर की बीमारी से ही हार्ट की प्रॉब्लम आगे क्रिएट होती है। तो मेरे को जैसे शिविर अटेंड किया उसमें बहुत अच्छा अनुभव हुआ। हम जैन परंपरा से, जैसे मैं कल भी कह रहा था, तो हम बचपन से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो अभी जितना अभी इस कैंप में आके शिविर में अटेंड करके, और जो फर्स्ट डे से कैसी जैन सर ने बताया कि 1 घंटे के अंदर जो उन्होंने प्रेरित किया अपने को यहाँ, किस तरह से हम यहाँ कार्यक्रम चलाते हैं, स्कूल बना रखा था, जैसे स्कूल की बात कर रहे थे अभी, सुबह से लेके सुबह 4:30 बजे से लेके और रात को 9-9:30 बजे तक का कार्यक्रम, इतना व्यस्त कार्यक्रम रहता है कि आप दूसरा जो विचार की बात कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर साहब विचार की बात करें, दूसरा विचार आता ही नहीं है। क्योंकि जैसे अपने अजय शर्मा जी ने कहा कि आप मोबाइल अपना रूम में छोड़ के आइए और नहीं, अगर हाथ में लाएंगे तो 1000 रुपये लग जाएंगे। तो बहुत अच्छी बात है, हम भी कहीं जैसे कॉन्फ्रेंस वगैरह में जाते थे तो कॉन्फ्रेंस में यही सुनने को सोचता था कि आप पहले अपना मोबाइल बंद कर दीजिए, क्योंकि मोबाइल से डिस्टर्बेंस पैदा होती है। तो इससे क्या, ये उनका मोबाइल 1000 रुपये का नहीं था, एक मन में था कि आप मोबाइल अगर रूम में छोड़ के आएंगे तो सारे जो आपको कोई मोबाइल आ रहा है बार बार मिस कॉल आ रही है, किसी को देखेंगे यार इससे ये बात करनी थी ये करनी, तो दिमाग में भी विचार वो नहीं आएंगे, तो एक रूम में रखे हैं तो विचार नहीं आए अपने आप। इस प्रेक्षा ध्यान शिविर में जो लाभ की बातें अपने सभी कर रहे हैं, उसमें आप देखिए कि अलग अलग जो फैकल्टी हैं, मान लो जो गेस्ट लेक्चर भी इन्होंने बुलाया, जो भी गेस्ट लेक्चर बुलाया, डॉक्टर निष्ठा को बुलाया, माइंड पावर पे उन्होंने अपना एक अलग ढंग से अपने को समझाने की कोशिश की, और फिर डॉक्टर मनु चंदा जो हार्ट के स्पेशलिस्ट हैं और गंगाराम हॉस्पिटल में हैं, उनके बारे में उन्होंने अपना खान पान के प्रेक्षा ध्यान से एक आशक से उसको हार्ट की डिजीज को कैसे दूर करना है लिंक करके बताया। ये बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण बात थी कि हम उस चीज़ को अपने दूर कर सकते हैं। फिर डॉक्टर दूसरे जो डॉक्टर शाही है, उसने बताया कि हम अपने बचपन में चले जाएं, वेरी गुड करके और ऐसे हाथ पार करके यहाँ से लॉटरी इज द बेस्ट मेडिसिन, ये बताया उन्होंने। तो अपना अपना एक्सपीरियंस है, उनका अपना एक्सपीरियंस है, क्योंकि उन्होंने इतना जीवन में अपने 10-15 साल उसी फील्ड में लगाए हैं, वो हम कितना सीख पाएँ वो अपने जीवन में उतार पाएँ वो तो अलग बात है। फिर डॉक्टर शाही आई, जो उन्होंने अपने खान पान के बारे में पूरा शेड्यूल बताया, सुबह से लेके अब कैसे पानी पीना है, अपने को कितना नाश्ता लेना है, कितना खाने के लेना है, कितना फ्रूट्स लेना है, और बताया कि 80% एल्कलाइन है, 20% आपको एसिड लेना है, मतलब ये चीज़ें सभी अपने जीवन में बुक्स, जैसे अभी हमारे मित्र ने बताया कि बुक्स तो बहुत पढ़ते हैं, बुक्स हमारे घर में भी बहुत सारी लगी हुई हैं, अलमारी में रखी हुई हैं, शीशे में लगा रखी हैं, लेकिन उनको कभी कभार 2 पेज पढ़ लिया, 4 पेज पढ़ लिया नींद आ जाती है, लेकिन उतना उसमें ज्ञान नहीं ग्रहण कर पाते। और यहाँ जो टीचर की बात हो रही थी, जैसे हमारे प्रशिक्षक हैं अजय शर्मा जी, मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, मैंने MSc किया हुआ था, लेकिन जिस सूक्ष्म तरीके से इन्होंने मतलब शारीरिक रचना और उसका कैसे क्रिया करती है उसके बारे में बता के और उसको प्रैक्टिकल से जोड़ा, ये बहुत बड़ी बात है। उसको मतलब इस आध्यात्मिक से जोड़ के और उन्होंने बताया, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं तो इनको जैसे प्रचार की बात कर रहे थे अभी, अपने मुकेश जी ने योगा से प्राणायाम कराया, कल मेरा हाथ थोड़ा खिंच गया था तो इस हाथ में दर्द हो गया था, तो मैं आज सुबह की क्लास में अटेंड नहीं की थी मैंने, तो सभी कईयों ने पूछा कि क्या बात होगी, मेरे हाथ में दर्द हो गया, तो मैं यहाँ मिला तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, आप कहिए ऐसे सोचिए कि मेरा हाथ ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, तो कुछ एक नस भी इन्होंने दबाई, मैं गया वहाँ पर नेचुरोपैथी में, उन्होंने ऐसे किया ऐसे करी करिए, मेरा हाथ मतलब 90% ठीक हो गया। तो ये एक प्रैक्टिकल अनुभव है मेरा खुद का, जैसे मैं रात को दर्द कर रहा था ऐसे हाथ ऊपर भी नहीं हो रहा था, सामने नहीं हो रहा था, अभी मैं ऐसे उठ के करके ऐसे कर रहा हूँ, तो एक प्रैक्टिकल अनुभव है ये अपना। और यहाँ जो शिक्षक हैं अजय शर्मा जी और मुकेश जी, जो अपने
योगासन में कर रहे थे अपने भाई, इन्होंने बताया कि जैसे हजार बार करते थे, लेकिन इन्होंने बड़े सूक्ष्म तरीके से बताया कि आपको कितनी बार करना है और कैसे सांस को ऊपर नीचे लाना है, अंदर ले जाना है, बाहर छोड़ना है, और कैसे आपको पैर उठाना है, उसी हिसाब से पूरा एक सिस्टमेटिक तरीके से बताया। और अजय शर्मा जी की जो क्लास है वो हम तो ये सोचते थे कि 5 मिनट पहले पहुँच जाए और हमारा कुछ मिस ना हो जाए। और कई लोग तो बैठे रहते थे, मैं सोचता था वाशरूम जाके आना है, या तो सोचता था यार ये क्लास छूट जाएगी तो 2 मिनट बैठ ही जाते, लेकिन फिर भी चलो वो तो अलग बात है। सब चीज़ें बहुत अच्छी लगी और जीवन में इसको मैं समझता हूँ कि अध्यात्म से और डॉक्टर श्री विज्ञान वगैरह की क्लास भी उसमें उसको जोड़ के हम आगे अपने जीवन को सुधारने की कोशिश करेंगे और अध्यात्म की तरफ भी जुड़ेंगे। दोनों बातें हैं। मैं ये जो अभी मुकेश जी रोज हमें कहते थे कि मैं साधक हूँ, तो ये सब लोग मेरे साथ एक बार बोलेंगे कि मैं साधक हूँ, क्योंकि हम साधक हैं, यहाँ आए तो साधक ही हैं। और ये सिग्नल जरूर है जो अभी मेरे एक मित्र ने कहा था कि हम इसका प्रचार करें, तो ये बहुत ज़रूरी है। जैसे 7 दिन का शिविर है, लोगों को इतनी जागरूकता नहीं है कि इसमें यहाँ आने के बाद में हमें कितना फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ का, वो जानते नहीं हैं इस बारे में। तो यहाँ आएंगे अपने ये संकल्प जरूर है कि हम 5-7 आदमी अपने अड़ोस पड़ोस में हैं, रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, उनको हम बताएं, जागरूकता दें कि यहाँ आके आप 7 दिन का शिविर एक बार एक एक्सपेरिमेंटल बेस पे भी आके आप अटेंड करें, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपको क्या फ़ायदा मिला है और आगे जीवन को अपने को कैसे चलाना है। मुझे तो अभी 60 साल के बाद भी मैंने शिविर अटेंड किया है और मुझे 60 साल के बाद नई ज़िंदगी चालू करनी है, तो कैसे पता लगेगा कि क्या जीवन शैली को कैसे बदला है। यहाँ खाने की बात हो रही थी, मैं 2 साल से यही खाना खा रहा हूँ। मैं मिसेज को कह रहा था कि मैं तो डेली 2 साल से यही खाना खा रहा हूँ जहाँ मिलता है, तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरी मिसेज देख रही थी कि अचार मिल जाए, कोई दाल मिल जाए, कुछ मिल जाए, उनको ये लग रहा था कि ऐसे कोई कुछ मीठा मिल जाए खाने को या कोई और सब्जी मिल जाए। और वो जैसे वहाँ परोसते हैं ना, तो वो जैसे स्टाफ के लिए दाल वगैरह रखते हैं, कुछ अलग खाना रखते हैं, उनका अपना एक सिस्टम है। तो मेरी मिसेज देखती रहती थी कि वो उनको दाल दे रहे हैं, हमारे को नहीं दे रहे हैं, मेरे पास मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। बैठी नहीं है बाद में क्या होगा, आपने क्या करना है। तो 2 साल से जो मैं खाना खा रहा हूँ, जैसे यहाँ मिल रहा है वैसे ही खा रहा हूँ, तो वो मेरे को 2 साल से भूल रही है। तो मेरे लिए खाना जो बनता है उसके बाद वो अपना नमक मसाला और बाद में मिलाती है, तो उसमें तो कोई बात नहीं है। मेरा ये मेरे साथ साथ जरूर ये संकल्प ले सको कि हम 5-7 लोगों को ये प्रचार जरूर करेंगे, जैसे अध्यात्म साधना केंद्र में शिविर जो लगता है उसमें अटेंड करें और सभी साधकों के साथ रहे, बहुत हंसी खुशी का माहौल। और इतना मैंने देखा कि सब तन्मयता से सुनते थे। अजय शर्मा जी की क्लास है तो बिल्कुल कोई क्वेश्चन भी पूछता है तो वो कह देते थे नहीं नहीं चुप रहो, बाद में पूछो, मेरी लाइट उठ जाएगी। तो ये लाइट उठने का होता है कि हम कई बार कॉलेज में पढ़ते थे, जब लेक्चरर हमारे ऐसे आते थे इनको ज्ञान तो बहुत होता था लेकिन बता नहीं पाते थे। अब इनमें क्या है कि ज्ञान होके और बताना एक अलग बात होती है। आपको ज्ञान है अंदर से लेकिन बता नहीं पाते हैं, आपको चाहे कितना भी ज्ञान है अगर आप एक्सप्लेन कर पाते हैं तो वो एक बहुत बड़ी बात होती है। अजय शर्मा जी को ज्ञान भी है और उन्होंने अच्छे तरीके से समझाया भी है, और यहाँ जितने भी इन्होंने गेस्ट लेक्चर बुलाए वो बहुत ही अपने आप फील्ड में बहुत अच्छे थे। मैं सारे अपने साथियों की तरफ से पूरे अध्यात्म साधना केंद्र के जितने भी प्रशिक्षक हैं, जो संचालक हैं, और श्री केसी जैन द्वारा जो ये व्यवस्था की गई है बहुत ही उत्तम है, और मैं सबको अपना धन्यवाद करता हूँ।